उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े थे। इसके बाद धामी बाबा भारमल की समाधि पर पहुंचे और उत्तराखंड की उन्नति के लिए पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने घोसीकुआं में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया और वर्चुअली माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं स्थानीय लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं एवं उन योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने, आर्गेनिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्टे होम योजना, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम, पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी बाबा भारमल की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्थान के प्रमुख बाबा हरिगिरी महाराज के दिशा निर्देशन में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई और प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भंडारे में आए भक्तों को अपने हाथों से भोजन प्रसाद भी परोसा। जो ये भंडारा चल रहा है 26 दिसंबर से, कल तो हल्का था और आज भक्त लोग ज्यादा हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिष्य ये आए हुए हैं, इनके दर्शन करने को ये अभिलाषी लोग भक्त हैं जन, इसीलिए ये भी जमे बैठे हैं कि हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। हैं और भंडारा अच्छा चल रहा है और व्यवस्था भी ठीक है सभी लोगों की, जंगल कार्यक्रम वालों की, पुलिस वाला स्टाफ की, सभी का अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और मैं खुश हूँ और सभी भक्तों को अथवा सभी के लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद है, सभी फले फूले और आनंद में है। इसी तरह आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।